तो आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल। एक्सटर्नल पिवट टेबल हम कई कारणों से यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है हमारा कि हमारा एक ऐसा फाइल होता है जो कि काफी बड़ा होता है। जब भी उस फाइल को हम खोलते हैं तो 2-3 मिनट का टाइम लेता है, कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है, और आपके जो जब उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहा है बार बार वो हैंग होता है, तो आपकी मास्टर फाइल होता है, जिसको डंप फाइल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें उसमें से जस्ट छोटा इन्फॉर्मेशन को लेना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फाइल को मुझे बार बार खोलना ना पड़े। एक तो हैंग की दिक्कत हो सकती है, या दूसरी सिक्योरिटी के पर्पस हो सकता है कि आपका डेटा कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो हम चाहते हैं कि वो फाइल खुले ही नहीं और हम किसी और शीट पे पिवट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट, एक ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, यहां दिख रहा होगा यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उस पर क्लिक कीजिए। उसी के नीचे कनेक्शन है, चूज कनेक्शन पे आइए। उसके बाद यहां पे जो रिसेंटली आपने जो यूज किया है वो दिखेगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ब्राउज फॉर मी, और यहां पे आप उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने डेटा पीस को क्लिक किया, अब बात है कि एक सीट में एक ही बार का पिवट, एक फाइल से एक ही सीट का पिवट लगता है, समझ गए ना सर? हाँ सर। तो हमें यहां बताना पड़ेगा कि कौन सा शीट है। ठीक है, हमें यहां बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा शीट है। तो मेरा यहां डेटा शीट है, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, देन ओके, देन ओके। तो पिवट लगाते समय थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, समझ गए? पिवट लगाते समय थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब पिवट लग जाएगा तो फिर परफॉर्म करेगा। मैं दिक्कत की बात है, स्लो होगा करने, समझे? दिक्कत ऐसा नहीं कि पिवट लगेगा ही नहीं, स्लो हो जाएगा। एक रीजन तो ए है, समझ में आ गया रीजन? हाँ सर। लेकिन जब एक्सटर्नल पिवट टेबल आप इस्तेमाल करते हैं तो एक आप चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका जो डेटा है, मैं उस पर्टिकुलर डेटा को मैं ओपन कर रहा हूं, मैं इसको बंद कर देता हूं, मैं डेटा पी को यहां से ओपन करता हूं। फिर मैं आपको सुनाता हूं, इसका जो डेटा सीट है हमारा, इसका जो हेडिंग है स्टार्टिंग से होना चाहिए, पहला रो हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि वो पहले रो को ही पिक करेगा। अगर पहला रो हेडिंग नहीं है तो फिर डेटा को टेबल फॉर्मेट में आपको डालना होगा, राइट? डेटा टेबल फॉर्मेट में डालना होगा, क्लियर है? सर कभी कभी मैंने ऐसी भी प्रॉब्लम देखा है। हेलो सर। हाँ सर, मैं लकी बोल रहा हूँ सर। सर कभी कभी ऐसा भी मैंने प्रॉब्लम देखा है जहाँ पर एक मास्टर सीट है मेरे पास, मास्टर डेटा, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूलर वगैरह लगा के रखा है, तो बहुत सारे जगह पे उस शीट के अंदर, तो वो जैसे डाटा बढ़ता जाता है, जितना बढ़ता जाता है सर, वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्सेल शीट ओपन होने में बहुत टाइम लेता है सर, तो उस केस में क्या करें सर?
हाँ तो ये वही बात, आपने आपको अगर उसमें से ओपन करके डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो मजबूरी है ओपन करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसके ऊपर पिवट वुबट लगाना है, रिपोर्ट वुपोर्ट बनाना है तो आप एक्स्ट्रा पिवट टेबल लगा के रख दो, जो जरूरत पड़ेगी तो यूज करो। और इसका एक फायदा ये भी है, आपने एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाया और उसका डेटा चेंज होता है, जैसे कि मैं ही इसी चीज को इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जैसे मेरा डेटा है, हमने पिवट लगा दिया, तो हमारा पिवट डेटा कौन से तक लगा है, यहाँ 3913 तक लगा है ना सर। के डेट में अगर डेटा बढ़ता है तो नॉर्मल पिवट में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि हम लास्ट क्लास में आपको समझाया था चेंज डेटा सोर्स से, समझ गए। हाँ सर, लेकिन एक्सटर्नल बेस से लगाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ले लेता है। चलिए मैं उसी का तरीका बताता हूं, मैं इस डेटा को कॉपी करता हूं, न्यू शीट में पेस्ट कर दिया और फाइल को सेव कर देता हूं। एक्सपी डेटा के नाम, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि मेरा मैं अगर इस पे पिवट लगाता हूं तो बार बार मुझे इसको पीछे डेटा मेरा चेंज होते रहता है, तो बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है नॉर्मल पिवट में, तो हम एक्सटर्नल पिवट की माध्यम से लगाते हैं, टेबल यूज एक्सटर्नल सेव। हम सेम फाइल को भी एज एक्सटर्नल पिवट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं जी, सेम फाइल को भी। तो हमने लिया, इसमें हमने सीट वन को सिलेक्ट किया, देन ओके, देन ओके। मान लीजिए यहां नेम वाइज हमने क्वांटिटी वाइज टोटल कर लिया, अब मैं यहां पे पर एक इससे क्या फाइल, सर इससे क्या फाइल स्लो, मतलब फाइल फास्ट होगा या स्लो होगा सर नहीं, कोई इस खास फर्क नहीं केस? पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे नया नाम लिख दिया ओम प्रकाश। फाइव एंट्री कर दिया, अब जस्ट आपको इसको रिफ्रेश करना, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम चेंज करोगे तो कॉलम नहीं आएगा, तो यहां कोई कॉलम इंक्लूड होता है तो कॉलम नहीं आएगा, जैसे मैंने यहां पे मंथ ऐड कर दिया, मार्च कर दिया, राइट, नया कॉलम। अब रिफ्रेश कीजिए इसको, यहां देखिए मंथ नाम का कोई फील्ड आपको नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ एक्सटर्नल पिवट टेबल में आपका डेटा आता है। लेकिन अगर मुझे कॉलन को भी करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलन भी आए, तो क्या करें इसके लिए, तो उसके लिए हमें एक ऑफसेट नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अंदर डिफाइन नेम के अंदर, तो फॉर्मूला वाला मैं जाऊंगा डिफाइन नेम, और मैंने यहां पे डेटा नाम का एक नेम ले लिया, इसमें हम एक फॉर्मूला देंगे ऑफसेट का, ऑफसेट हमने बोला स्टार्टिंग द डेटा जीरो रो जीरो कॉलम, हमने बोला कॉलम की हाइट, और ब्रेथ में हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट ए कॉमा अगेन काउंट ए, एंड ओके। जो है पिवट लगाते हैं, ब्लैंक शीट पे जाइए, इंसर्ट, एक नया पिवट टेबल को ऐड कीजिए,
एक्सटर्नल चूज कनेक्शंस ब्राउज और नहीं एक्सटर्नल नहीं, इसमें एक्सटर्नल नहीं होगा, सिलेक्ट डेटा रेंज होगा, इसी पे आप डेटा लिख के ओके कर दें। इसमें फायदा ये होगा कि अगर मैंने अपना डेटा में कॉलम भी ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे मंथ लिया और इसको जैन मंथ डाल दिया, तो अब मैं पिवट को रिफ्रेश करता हूँ, मंथ आ गया सर, ऐसा ना सर, तो फॉर्मूला क्या लगाया था एक बार फॉर्मूला दोबारा देख दीजिए। मैं यहाँ पे देखिए जब सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मैं यहाँ देखिए मैंने क्या फॉर्मूला अभी आ रहा है, हमने फॉर्मूला लगाया ऑफसेट में लगाया, हमने स्टार्टिंग में तो डेटा को सिलेक्ट किया, जीरो रो जीरो कॉलम किया और चौथा नंबर पे आता है ऑफसेट में वो आता है हाइट, हाइट में मैंने बोला काउंट है पूरा रो और हमने विड्थ लगाया पूरा कॉलम, तो रो एंड कॉलम को मैंने काउंट पे ले लिया, ठीक है सब मुझे समझ में नहीं आया सर। देखिए होता क्या है कि ऑफसेट का फॉर्मूला है हमारा, ऑफसेट के फॉर्मूला में गए स्टार्टिंग में रो ले लिया हमने, राइट, जीरो रो स्टार्टिंग में डेटा ले लिया, रो को जीरो किया, कॉलम्स को भी जीरो किया, जो यहाँ पे हाइट दिख रहा है इस हाइट के लिए हमने यहाँ पे काउंट ए लगाया और पूरा डेटा का एक रो ले लिया, फिर यहाँ पे आता है आपका विड्थ, विड्थ दिख रहा है, दिख रहा है सर, अच्छा में भी हम सेम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे और पूरा हेडिंग का काउंट ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पूरा डेटा तो ऑफसेट क्या करेगा, अगर मैं इसको सम में डाल दूं तो ये देखिए इसमें फॉर्मूला एबलेट कीजिए पता चलेगा, ठीक है, मतलब डाटा का काउंट जी जी हेलो सर, एक मिनट दीजिएगा, समझ में आ गया ना आपको सर? हाँ अभी समझ में आ गया सर मुझे। इसी तरह सर मैं उसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक्सटर्नल सोर्स में तो चूज कनेक्शन पे आइए, यहाँ पे जैसे कि एमएस एक्सेस का डेटाबेस है तो आप डॉक्यूमेंट में जाके एमएस एक्सेस डेटाबेस को ले सकते हैं और पिवट लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगता है, एसक्यूएल सर्वर से लगाना चाहते हैं तो पिवट टेबल चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज फॉर मूव न्यू रूल्स
और यहां से एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद एसक्यूएल का सर्वर नेम पासवर्ड डालिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे ओरेकल से भी कर सकते हैं, राइट सर। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको पिवट टेबल समझाया वो 2007 तक का पिवट टेबल था, मतलब कि सारे सारे इसमें 2007, 10, 13, 16 सब पे यूज होता है। अब अच्छा। जो मैं आपको पिवट पढ़ाने वाला हूं उसमें वो सिर्फ 2013 ऑनवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। सर मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोले, सुनिए। हाँ।